नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में बिजली समस्या को लेकर किसान संगठन ने गुरुवार को कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे को सौंपे ज्ञापन में किसानों ने बताया कि ढीमरखेड़ा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति खराब है, जिसके चलते किसानों को परेशान होना पड़ता है। सिंचाई न होने से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। किसानों ने बताया कि जिन्ना पिपरिया पावर हाउस में दो पैनल लगे हुए हैं, एक वर्ष से एक पैनल खराब पड़ा है। पावर हाउस से 30 गांवों में बिजली सप्लाई होती है, शिकायत के बाद भी सुधार नहीं हो रहा। किसानों ने बताया कि रामपुर बरेली में एक सप्ताह से घरेलू ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। ग्रामीणों को बिजली समस्या बनी हुई है। किसानों का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो क्षेत्र के किसानों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसानों की उपस्थिति रही। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। पिछड़े वर्ग जाति आधारित जिंदगी चालू करो, चालू करो, चालू करो। पिछड़े वर्ग जाति आधारित जिंदगी चालू करो, चालू करो, चालू करो। पिछड़े वर्ग जाति आधारित जिंदगी चालू करो, चालू करो, चालू करो। पिछड़े जाति विरोधी सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पिछड़े जाति विरोधी सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसमें हम सब लोग आप लोगों से आश्वासन चाहते हैं कि जो सरकार की जो 10 घंटे की लाइट है उसे बोलिए, और इसमें नैब हो चुकी है, चिन्हित किया गया है। लिखा है कोई दिक्कत नहीं, ये तो सब नहीं आ रहा।